नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिव्यांग युवक ने पुलिस कमिश्नर से अपनी ही पत्नी के खिलाफ शिकायत दी है। कहा, साहब मेरी मदद करो, मेरी पत्नी मुझसे जबरन भीख मंगवाती है। मैं पिछले 5 महीनों से उसे 5 लाख रुपए दे चुका हूँ जो मुझे भीख में मिले थे, फिर भी पत्नी का जुल्म खत्म नहीं हो रहा। वो मुझे रोज पीटती है, मेरा तलाक करवा दीजिए, मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकता। तो चलिए आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के कानपुर में एक दिव्यांग युवक ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी पत्नी उससे भीख मंगवाती है और टॉर्चर देती है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जांच शुरू की गई। जिस महिला का जिक्र दिव्यांग युवक ने किया था, उसने कुछ और ही कहानी पुलिस को बताई। अब पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। वहीं दिव्यांग युवक की बातें सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने युवक को भरोसा दिलवाया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी का दिव्यांग मुनव्वर हुसैन कई साल से नवीन मार्केट, परेड, सीसामऊ आदि इलाकों में भीख मांगता है। वहीं 15 जुलाई को वो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के ऑफिस पहुँचा। उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि बीवी से परेशान होकर उसने 15 दिन पहले बजरिया थाने में तहरीर दी थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया, बीवी के दबंगों से संबंध है, वो घर पर जमघट लगाए रहते हैं। मैं भीख मांगकर घर जाता हूं, तो मारपीट कर पैसे छीन लेते हैं। इनमें एक हिस्ट्री शीटर का बेटा भी है। उसकी व्यथा सुनकर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बजरिया थाने को तत्काल कार्रवाई को कहा। इंस्पेक्टर बजरिया ने देर रात बताया कि मुनव्वर को FIR दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया, पर उसे आने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर ने जिसको अपनी पत्नी बताया, वही पत्नी पुलिस के सामने मुनव्वर से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया है। उसने कहा कि वो गंगा घाट में मजदूरी करती है। काफी समय पहले मुनव्वर उसके संपर्क में आया था, तब उसके हाथ पैर ठीक थे। ये नशे का आदी है और एक चोर है। 5 साल पहले चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तब उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। दिव्यांग होने के बाद से ही वो मुझे परेशान करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।